हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर फोर इंटरनेट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंटरनेट की स्टार्ट कब हुआ था, किस सन में हुआ था, आज हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में जानते हैं कुछ हिस्ट्री क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत आपकी 1970s में हुई थी। आपकी यूएस की एक डार्पा एजेंसी थी जिन्होंने इस इंटरनेट की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी जो भी इस डिफेंस एजेंसी में जो भी हमारे डिफेंस के वर्क होते थे, मीन्स उस वर्क को इजी बनाने के लिए उन्होंने इस इंटरनेट को डेवलप किया था। उस समय इंटरनेट को हम आर्पानेट के नाम से जानते थे। फिर धीमे धीमे उसमें और भी मॉडिफाई किया गया और जब जैसे 1980 आया तो इसमें एक मीन्स उन्होंने देखा कि अगर हम जो भी हम फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू, मीन्स कोई उसके एक रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि जो भी फाइल हमारी एक्सेस हो रही है, मीन्स जो भी ट्रांसफर हो रही है वो सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है, कहीं और तो ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रोटोकॉल बनाया जिसे हम TCP/IP प्रोटोकॉल के नाम से हम जानते हैं। मीन्स 1980 में उन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल को जनरेट किया और उस तरह से उन्होंने मतलब क्या किया कि एक प्रोटोकॉल बना दिया जिसमें कि आप कोई भी फाइल मतलब उसे एक्सेस नहीं कर रहा था, वो जिस एड्रेस पे मतलब की बनाई जा रही थी उसी एड्रेस पे ही वो पहुंचती थी और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि वो राइट वे पर जाकर के मतलब की एक्सेस हुई है। ओके स्टूडेंट, फिर इसे और भी मॉडिफाई किया गया। अब इसके लिए क्या किया गया कि मान लीजिए अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना हो तो कैसे करना है, क्या होगा। फिर जैसे जैसे 1990 आया, फिर 1990 में उन्होंने क्या किया कि एक वेब पेज को डेवलप किया, मीन्स WWW जिसे हम वेब पेज के नाम से, वर्ल्ड वाइड वेब पेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो कि वहां जो इसके डेवलपर थे वो टिम बर्नर्स-ली थे वर्ल्ड वाइड वेब के। उन्होंने क्या किया, एक वेब पेज जनरेट किया कि जिसके जो भी आप TCP/IP यूज कर रहे हो, जो भी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो उस प्रोटोकॉल के तहत मीन्स अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं तो उस टॉपिक को दे और उसकी आसानी से हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने प्रेजेंट हो जाए। तो इसके बाद उन्होंने इसको जनरेट किया और आसानी से आपके इंटरनेट को और मॉडिफाई करते करते और भी उसमें कई सारे चेंजेस किए गए जिसके थ्रू हम आज भी जो हम इस इंटरनेट के थ्रू वर्क करते हैं। अब हम जानते हैं इस इंटरनेट में कि इसमें हमें जब अगर इंटरनेट को हमें इस्टेब्लिश करना होता है अपने सिस्टम में तो इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी योर मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। अब हम जानते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स इंटरनेट के कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहां देख सकते हो सबसे पहला आपका कंपोनेंट क्या है, कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम्स आपको पता है कि भाई अगर हमें इंटरनेट चला नहीं है हमारे पास तो जिस किस पे चलाएंगे भाई, हमारे पास तो कोई ना कोई तो कंप्रोमिस सिस्टम तो होना चाहिए ना। हाँ, जैसे अब अगर नॉर्मल तौर पे अभी पहले तो क्या होता, कंप्यूटर सिस्टम होता था मोबाइल पे तो चलता नहीं था। अब ये आ गया है मोबाइल आपका न्यू टेक्नोलॉजी में कि आप मोबाइल पे भी आसानी से इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और आप आसानी से मोबाइल पर आप इंटरनेट यूज करते हो। तो उसके पहले क्या किया गया था कि सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ती थी कि उसमें क्या करते थे कि जैसे कि हमें क्या होता, उसमें भी हर एक चीज जैसे कि वो हार्ड डिस्क होता था, सीडी ड्राइव होता था, स्पीकर होता था, उसके साथ कई सारे कंपोनेंट्स अटैच होते थे, ठीक है। तो इसके लिए हमें जब तक पहले उस कंप्यूटर सिस्टम आया, फिर सेकेंड आपके लिए क्या चाहिए था, आपका था सेकेंड आपका मॉडम था। अब ये मॉडम किस लिए यूज किया जाता, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था मॉडम किस लिए यूज करते हैं, जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है एक तरह से बीच का ब्रिज का काम करता है, नेटवर्क एंड सिस्टम के बीच में एक ब्रिज का काम करता है कि जो भी आपके मतलब सिग्नल के थ्रू जो भी आप फाइल आ रही है वो किस लैंग्वेज में है, किस तरह से उसको कन्वर्टर का काम करता है। जैसे मैंने बताया था मॉडर्न का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। फिर मॉडर्न में आप क्या करते थे कि आप जैसे सिस्टम आपका क्या है, डिजिटल डिवाइस है और ये क्या करता था मॉडर्न क्या करता, टेलीफोन लाइन के थ्रू आपके सिस्टम को कनेक्ट करता था। लेकिन टेलीफोन लाइन क्या होती थी, एनालॉग सिस्टम होता था जो एनालॉग सिग्नल पर वर्क करता था और कंप्यूटर आपका डिजिटल डिवाइस है जो कि आपके डिजिटल सिग्नल पर वर्क करता है। इसमें क्या होता था कि मॉडर्न क्या करता था कि आपके जो भी डिजिटल सिग्नल होते थे उसको एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करता था और एनालॉग सिग्नल को आपको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके सेंड करता था। इसका ये प्रोसेस था, मीन्स जो भी आपकी मशीनी लैंग्वेज थी उसको आपके सिस्टम के मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी जो लैंग्वेज थी उसको मशीनी लैंग्वेज कन्वर्ट करके या फिर आपकी मशीनी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके सामने
शो करता था। ओके स्टूडेंट, फिर हम थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं। थर्ड कंपोनेंट तो आपका है टेलीफोन लाइन, जो कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जो भी हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो क्या होती है, आपके टेलीफोन लाइन के थ्रू ही हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। मीन्स एक लाइन के द्वारा ही आपको सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। अब जैसे अगर हम लाइन की बात कर रहे हैं तो टेलीफोन लाइन कैसे, जैसे मैडम ने बताया कि आप कौन कौन टेलीफोन लाइन कौन सी होती थी आपकी, बीएसएनएल होगी, आपकी आइडिया होगी, आप तो नॉर्मल चल ही रहे हैं आपके, तो आप किस लाइन के थ्रू आप अपने सिस्टम को कनेक्ट करते थे इंटरनेट से। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी फोर्थ कंपोनेंट, आपका है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको हम स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में हम ISP कहते हैं। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है क्या, अभी जैसे मैं बताया आपको कुछ कंपनियों का नाम बताया, BSNL हो गया आपका, आइडिया आपका जो प्रेजेंट टाइम में है, जियो भी आपका आ गया है, और भी एयरटेल हो गए हैं, ये सब क्या है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। मीन्स आपको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट की, इनके थ्रू मतलब क्या होता है कि कोई भी मतलब इसे पब्लिकली ऐसे एक्सेस किया जा सकता है, जो कि आपको इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी मतलब कि कोई भी यूजर हो, कोई भी पर्सन हो, वो आसानी से इंटरनेट को इसके थ्रू आपको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको अगर जो सर्विस प्रोवाइड अगर चाहिए होती है, आपको सर्विस चाहिए होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनियां क्या करती हैं कि अगर आप किसी कंपनी की आप सर्विस ले जाते हो तो वो जो कंपनी होती है तो उस यूजर्स को सबसे पहले कहती है, उसको एक यूजर आईडी प्रोवाइड करती है और उसे पासवर्ड प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप लोग कभी कभी सिस्टम में देखते होंगे कि अगर आप मान लीजिए अगर आप मॉडेम से कनेक्ट करते होंगे, तो जब मॉडेम जब जैसे ही आप मॉडेम लगाते होंगे सिस्टम पे, तो वो आपसे सबसे पहले क्या मांगता होगा, आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो कि कंपनी के द्वारा जनरेट की जाती है। अगर आप उस यूजर एंड आईडी पासवर्ड यूज नहीं करोगे तो आप नेट का यूज नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, आप उस ये कंपनी के थ्रू क्या होता है, ये यूजर एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। जब आप यूजर एंड पासवर्ड अपने सिस्टम एंटर करोगे तभी आप उस कंपनी का इंटरनेट यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। आपका नेक्स्ट कंपोनेंट आपका सॉफ्टवेयर। मीन्स अब अगर हमें इंटरनेट चलाना है तो भाई जाहिर सी बात है हमें सॉफ्टवेयर चाहिए ही होगा। अब वो सॉफ्टवेयर है क्या कि हम उस किस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स इंटरनेट का यूज हम कर सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है क्या आपका। जैसे आप क्या क्या यूज करते हो इस समय, गूगल क्रोम यूज करते हो तो गूगल क्या आपका एक सॉफ्टवेयर ही तो है, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हो आप, एंड आपका एक्सप्लोरर होता है, ठीक है, तो ये सब आपके क्या एक सॉफ्टवेयर है, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट का यूज करते हो। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नाउ लेट्स टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। मीन्स अब हम इंटरनेट कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, वो उसके मीन्स टाइप्स क्या है। ये आपके टू टाइप्स होते हैं, पहला आपका आता है डायल अप कनेक्शन एंड सेकेंड आपका है लेज लाइन कनेक्शन। अब आपका डायल अप कनेक्शन क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज इंटरनेट कनेक्शन विच इज यूज बाय नॉर्मल यूजर्स। मीन्स ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जो कि नॉर्मल यूजर भी इसको यूज कर सकता है। ओके, इन दिस टाइप्स ऑफ अ कनेक्शन कॉमनली यूज टेलीफोन लाइन्स आर यूज्ड। मीन्स जो ये आपका कनेक्शन होता है, जैसे आप टेलीफोन लाइन के थ्रू आप जो यूज करते हो, इससे हम क्या कहते हैं डायल अप कनेक्शन कहते हैं। जैसे आप जो भी कंपनी आती है जो कंपनी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आपको, जियो हो गया, आइडिया हो गया, BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, जो कि समय प्रोवाइड कर रहा है, ये सब क्या आपके डायल अप कनेक्शन है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं लीज लाइन कनेक्शन की। अब ये लीज लाइन आपका कनेक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि स्पेशल तरह का टेलीफोन लाइन होता है जिसके थ्रू ये क्या करता है ऑल टाइम आपको सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट की। आप जब चाहे तब आप इंटरनेट का मतलब यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि आप क्या करते हो इस समय, आप अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो ऑलरेडी आपके सिस्टम में क्या होता है, आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। जैसे आप क्या करते हो, वाईफाई होता है, आपका 24 आवर्स वर्क करता है, आपके कुछ ऐसे हो जिसको आप क्या करती है 24 आवर्स के लिए आपने ओपन करके छोड़ दिया है, आप जब चाहे तब उसके लिए एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को, तो तब वो आपसे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। आपने एक बार जनरेट कर दिया तो आपको दोबारा बार बार उसमें यूजर आईडी पासवर्ड आपको एंटर करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक उसे एक्सेस कर लेता है। ये आपका लीज लाइन कनेक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायल अप कनेक्शन एंड लीज लाइन कनेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है आपका एड्रेसिंग सिस्टम्स इन इंटरनेट। अब ये आपके क्या है,
अब आप जैसे अभी मैंने स्टूडेंट बताया था आपको इंटरनेट में कि आप जब इसको यूज करते हो, तो जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था आपको कि क्या हो रहा था, उसके लिए एक प्रोटोकॉल जनरेट किया गया था कि आप जो भी जहां भी जिस जगह पे आप अपनी फाइल को सेंड कर रहे हो उसका एड्रेस क्या है, मीन्स वो सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही, कि कहीं और चली जा रही है फाइल, तो उस चीज को हमें फाइंड करने के लिए एक एड्रेस जनरेट किया गया था, ठीक है। तो जिससे उसी के बारे में यहाँ पर है कि इंटरनेट में एड्रेसिंग सिस्टम उसका है क्या और वो उसके टाइप्स क्या है। तो आपके टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट आपका है डोमेन नेम सिस्टम्स एंड सेकंड आपका है आईपी एड्रेसिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डोमेन नेम सिस्टम। अब व्हाट इज अ डोमेन नेम सिस्टम? स्टूडेंट्स आप लोग जैसे देखते होंगे कि आप हर एक कंपनी का अपना अपना एक डोमेन नेम होता है। अगर आप अपने एजुकेशन में बात करोगे, ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी क्या होती है, एक डोमेन नेम होता है। तो आप जब कभी कभी आप जहाँ पे वेबसाइट का प्रोटोकॉल, वेबसाइट का आप जो आप डालते हो, जैसे किसी की हर एक का अपना अपना वेबसाइट होता है और उसका एक लिंक होता है, जब भी आप उस लिंक को डालते होगे जहां पर भी आप प्रोटोकॉल जहाँ पे यूज किया जाता है HTTP:// आप लोग जैसे जानते हो ना, तो जैसे कि आप हर एक का क्या होता है अपना लास्ट में आप देखते हो .com, .org, .org और भी कई सारे होते हैं .edu और बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो डॉट लगा करके ये थ्री जो लास्ट में होता है .com, ये सब क्या है आपका, आपका डोमेन नेम है। ये डोमेन नेम क्या होता है, हर एक कंपनी का अपना नाम होता है, उस कंपनी से रिलेटेड ये नाम आप शो करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं .com, तो .com है क्या आपका, कॉम क्या है आपका, कॉमर्शियल, जो कि जैसे आप कॉमर्शियल है आपका कौन कौन सी साइड होती है, बैंकिंग हो गई आपकी और शॉपिंग हो गई आपकी, तो मतलब ये सब बहुत सारी आप क्या है? ये कॉमर्शियल है जो कि .com का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना, जैसे कि लगाते नहीं .org, .org जो हम कहते हैं, तो इसी तरह हर एक क्या करते हैं अपना एक डोमेन नेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो आप शुरुआत में क्या करते हो कि उसके बाद आप क्या करते हो, सबसे पहले लिखते हो www, ये आपका क्या है, इसमें क्या होता है आपका ये वेब पेज होता है आपका, कि आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। वेब पेजों का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। फिर आप बीच में क्या करते हो, जैसे मान लिया अगर हम www.google.com लिखते हैं तो गूगल आपका क्या काम करता है, उस पर्टिकुलर मतलब जहां पर आपका जो भी जिसके थ्रू आप यूज कर रहे हो, मतलब उस पर्टिकुलर सिस्टम का नेम बताता है आपका कि आप किस सिस्टम पे वर्क करने जा रहे हो, मीन्स किस जगह पे आप वर्क करने जा रहे हो। जैसे मैं गूगल पे वर्क करने जा रहा था, हमने क्या लिखा www.google.com, मीन्स हमें गूगल पे वर्क करना है, उस पर्टिकुलर का नेम बताता है सिस्टम्स का कि हमें गूगल पे वर्क करना है, और ये जो गूगल है वो क्या है आपका, एक कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल वेब पेज है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, उस पर हम वर्क करने जा रहे हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की एड्रेसिंग सिस्टम के, आईपी एड्रेसिंग सिस्टम। अब आपका आईपी एड्रेसिंग सिस्टम क्या होता है, तो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हो कि अगर हमें किसी चीज को अगर हमें सेंड करना होता है, अब उस जिससे सेंड करना है तो उसे हमें मालूम होना चाहिए कि वो सेंड हमें करना कहाँ है, मीन्स उसका एड्रेस भी तो मालूम होना चाहिए। तो इसी तरह आपका सिस्टम में होता है कि अगर आपके सिस्टम में किसी फाइल को आप नेटवर्क के थ्रू सेंड करते हो, तो हर एक अपने सिस्टम का अपना एक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। आईपी एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मीन्स इसमें क्या होता है कि हर एक सिस्टम ऑटोमेटिक क्या करता है कि एड्रेस जनरेट करता है, और वो ये ऑटोमेटिक नहीं हो, मतलब हम कहते हैं ये कंपनी के द्वारा एक तरह से होता है कि हर एक कंपनी क्या करती है अपना एक आईपी एड्रेस जनरेट करती है, कि जैसे आप कोई भी यूजर यूज कर रहा है तो उसे वो अपना एक आईपी एड्रेस जनरेट करेगी। जब आप अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करोगे, मीन्स उसे इंटर करोगे, वो ऑटोमेटिक उस आईपी एड्रेस को रिकॉल करता है, और तब जाके आपके सिस्टम पे क्या होता है नेट मतलब वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो वो आईपी एड्रेस क्या होता है आपका, वो आईपी एड्रेस आपका मीन्स फोर पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फोर पार्ट में डिवाइड होता है, फोर पार्ट में वैसे मान ली सपोज हर एक कंपनी का अपना अपना होता है, जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं फॉर एग्जांपल आईपी में क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या होता है 192.168.1.92
टू हैंड्रेड हम मान लेते हैं, ठीक है, डॉट, फिर आप यहाँ पे आप कुछ दे सकते हो 35। ये क्या करता है, थ्री सेपरेट डॉट से क्या होता है, मीन्स थ्री डॉट से क्या होता है, सेपरेट होता है, मीन्स ये फोर पार्ट में डिवाइड होता है, वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है, और थ्री डॉट से क्या होता है, ये आपका आईपी एड्रेस सेपरेट होता है, मीन्स इसी को ही हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं, जो कि हर एक कंपनी अपने किसी यूजर्स को, पर्टिकुलर पर्सन को, जिसको भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उन्हें ये एड्रेस वो क्या करता है, जनरेट करता है। ओके, तो ये क्या करता है कि जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे जनरेट किया जाता है ताकि जो भी है वो सही वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बारे में बताता है। तो इसी तरह क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर का अपना एक सिस्टम, मतलब हर एक यूजर, हर एक सिस्टम का अपना एक एड्रेस होता है। जब आप किसी फाइल को शेयर करते हो तो वो क्या करता है, उस आईपी एड्रेस को कॉल करता है, और उस आईपी एड्रेस को कॉल करने के बाद अपनी फाइल को क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है, और वो उसी एड्रेस पे जा करके मतलब एक्सेस होती है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आईपी एड्रेस होता क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आपकी नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरनेट। मीन्स अगर हम इंटरनेट की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इंटरनेट को यूज करने से उसका इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है क्या, उसके बारे में। उसका एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल अभी मैंने बताया था कि जब आप, जैसे हम क्या होता है कि रूल जो भी हमारे बनाए जाते हैं, प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन मीन्स सेट ऑफ रूल्स को ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। मीन्स किस वे में हमारा जो भी हम फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं उसका एक रूल होना चाहिए कि वो कैसे जाएगा, जो भी आप एक्सेस कर रहा है, यूजर्स या सेंडर्स जो भी सेंड कर रहे हैं, तो हर एक का अपना रूल होता है। जैसे हम लोगों का भी अपना एक रूल होता है कि हमें क्या करना है कि सुबह इतने बजे आना है, और कैसे आना है, जो भी है बैग लेकर के आना है, पूरी प्रिपेयर के साथ आना है, नहा धो के आना है, सब कुछ करना है, फिर आना है यहाँ पर अपने क्लास में जाकर बैठ जाना है, प्रेयर होना है, फिर हर एक टाइम पर क्या होना है कि आपकी लेक्चर्स चलते हैं आपके, फिर आपका क्या, हर एक मतलब आप क्या करते हैं, एक रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपना वर्क आप स्टार्ट करते हो। ओके, तो इसी तरह आपका इंटरनेट के लिए भी क्या होता है, आपका एक रूल होता है कि जिससे ये इंटरनेट वर्क करता है। ओके स्टूडेंट, तो हम उसी रूल्स के बारे में बात करेंगे कि आपके हैं क्या। चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला आपका है, ये आपके टू टाइप्स होते हैं प्रोटोकॉल। सबसे पहला आपका होता है TCP/IP एंड सेकेंड आपका है HTTP। अब हम बात करते हैं TCP/IP। TCP/IP है क्या आपका स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म होता है आपका TCP का फुल फॉर्म होता है आपका ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी का अभी मैंने बताया था आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके स्टूडेंट, मीन्स जैसे भी हम क्या करते हैं कि जब हम क्या करते हैं, अगर ये क्या होता है, एक इंटरनेट का मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी साइट पे जब हम वर्क करते हैं, ये एक साइट से दूसरी साइट पे जाने के लिए, तो ये क्या करता है, जो भी हम डेटा सेंड करते हैं उसको क्या करता है, ये पैकेट के फॉर्म में क्या करता है, सेंड करता है। मीन्स अगर कोई भी बड़ी फाइल है, ठीक है, अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंड करना, मीन्स एक यूजर से अनदर पर्सन में क्या करना है, सेंड करना है उस फाइल को, खूब बड़ी सी फाइल है, तो उस फाइल को क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, और फिर उस पार्ट को क्या करता है, वन बाई वन में उसके एड्रेस को कॉल करके वहां पर सेंड करता है अनदर पर्सन के पास। फिर इसमें क्या करता है, इसका सबसे मेन रोल क्या होता है TCP/IP का, कि मीन्स जो भी आपके डेटा है, जो भी छोटे छोटे पैकेट में फॉर्म में है, वो आसानी से उस एड्रेस पर मतलब पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है उसको फाइंड आउट भी ये काम करता है। ठीक है, द रोल ऑफ अ आईपी इज टू ट्रांसपोर्ट दिस मार्क डेटा पैकेट टू दियर करेक्ट डेस्टिनेशन। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि क्या हुआ था, ये इसका मेन रोल क्या होता है, जो भी ये पैकेट के फॉर्म में जा रहा है डेटा, वो सही डेस्टिनेशन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और पूरा एक्ट पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, ये इसका काम होता है बताने का। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा TCP/IP क्या होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, आपका नेक्स्ट टॉपिक है HTTP।
में जिसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। दिस प्रोटोकॉल हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट वेब सर्वर्स एंड इट्स अ वेरियस क्लाइंट। इट कैन बी ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज विच फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मीन्स आप जो भी डेटा सेंड कर रहे हो, डेटा क्या होता है आपका, एक टेक्स्ट के ही फॉर्म में होता है आपका, ठीक है। तो ये क्या करता है कि वन एक जो आपका वेब पेजेस होते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को आपस में कनेक्टिविटी करने का काम हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल का काम होता है, ठीक है। मीन्स एक पेज को, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करने का काम इसका होता है कि ताकि आप आसानी से किसी वेब सर्वर के थ्रू में से आया किसी तो अपने फाइल को ट्रांसफर कर लीजिए, कर सके आप। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लाइंट सर्वर सिस्टम। अब ये क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या होता है आपका, क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको, हम करके ही दिखाते हैं। देखिए क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे यहाँ पे कई एक सिस्टम है जिसे हम सर्वर कहते हैं, सही से बन नहीं रहा है। चलिए हम बताते हैं, ये आपका सिस्टम्स है, सर्वर है मान लीजिए ये, ठीक है आपका। इसमें और भी कई सारे सिस्टम होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, कई सारे सिस्टम्स हैं। एक क्या होता है, ये आपका मेन सर्वर होता है और ये जो कई सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं इस सर्वर से, इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। ये क्या आपके हैं, क्लाइंट है, ठीक है। तो इसी को ही हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहते हैं कि जब एक नेटवर्क के थ्रू कई सारे, मतलब एक सर्वर के थ्रू कई सारे सिस्टम आपस में, मतलब क्लाइंट, मतलब कनेक्ट हो, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहते हैं। ओके तो चलते हैं हम इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क डायग्राम ऑफ क्लाइंट कम्युनिकेटिंग विद अ सर्वर वाया द नेटवर्क। मीन्स कहने वाला कि क्या है कि आपके जो सर्वर के थ्रू कई सारे जो सिस्टम होते हैं, क्लाइंट सिस्टम होते हैं, जो सर्वर मतलब कि एक नेटवर्क के थ्रू सर्वर से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसे ही हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। वही मैंने कहा कि ये जैसे आपका डायग्राम बता रहा है आपका कि जैसे मतलब जो भी क्लाइंट है क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू सर्वर से क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, इसी को हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, मीन्स अगर ये क्या करते हैं, क्लाइंट आसानी से अगर किसी भी क्लाइंट को जो भी फाइल की जरूरत होती है वो क्या करते हैं, इनको कॉल करते हैं मीन सर्वर को, और इनसे कहते हैं तो ये क्या करता है, उस फाइल से यहाँ से क्या करते हैं, आसानी से इसे एक्सेस कर लेते हैं कि जो भी हमें चाहिए वो सब सर्वर पे अपलोड होता है। आप सर्वर से कोई भी फाइल सिस्टम को क्या कर सकते हो, फाइल को आप एक्सेस कर सकते हो, ये उसी के बारे में बताता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इंटर सोसाइटी। अब ये क्या होता है, चलिए देखते हैं इंटर सोसाइटी है क्या आपका। ओके स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं अब हम इसकी। द इंटरनेट सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल्स इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। मीन्स कहने का मतलब ये क्या होता है कि जो सोसाइटी, इंटर सोसाइटी मीन्स होता है जो इंटरनेट एक अपनी प्राइवेट क्या एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि आपको बताता है कैसे आप जो भी आप यूज कर रहे हो इंटरनेट, तो उसपे आप कौन कौन सी मतलब आपकी कैश कौन कौन सी हर एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब किया गया, आप किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो या किस पे आप काम करना चाहते हो, या बहुत सारे ऐसे एजुकेशन के अगर बात करते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो अभी इस समय, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो ऑनलाइन पढ़ाई क्या कर रहे हो, एजुकेशन का क्या है, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि अपना एक लिंक क्रिएट किया है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है। ये क्या है, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपना एक
वेबसाइट बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, जिससे आप एक ऐप है जो आप जो भी कुछ कह सकते हो, हर एक का अलग अलग प्रोसेस होता है आप मतलब कि जैसे भी वर्क करने का, तो उस एक क्या और इसी को हम क्या कहते हैं सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन को ही हम सोसाइटी कहते हैं, जो कि अपने एक सर्विस प्रोवाइड कराता है ताकि लोग उसको एक्सेस करें और उससे अपना आसानी से वर्क कर सकें। ठीक है, उसी चीज के बारे में बता रहा है कि जो इंटरनेट के थ्रू क्या करता है वर्क किया था, जो उसे इंटरनेट को आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं और अपने वर्क को इजी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। ओके चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका है टॉपिक TCP/IP मॉडल। अब ये TCP/IP मॉडल है क्या, तो चलते हैं स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करते हैं TCP/IP मॉडल है क्या। स्टूडेंट, TCP/IP मॉडल को जनरेट किया था ISO ने, इंटरनेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने। ISO ने क्या किया था, इसे डेवलप किया, और TCP/IP को हम OSI मॉडल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे डेवलप किस लिए किया गया था, ISO ने डेवलप क्यों किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम बताने से पहले हम आपको छोटी सी एक स्टोरी बताएंगे और आप ध्यान से सुनना इस स्टोरी में है क्या। ओके, तो आप मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपकी एक कंपनी है, इस कंपनी में ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, मीन्स अगर ये आप इस स्टोरी को समझ लोगे और जब मैं बताऊंगा तो आप इसे आसानी से समझ भी जाओगे। आपको जब भी इसके अगर पढ़ोगे आप, तो जब आपको हमारी अगर स्टोरी याद होगी तो आप आसानी से इसके बारे में आप आसानी बनाकर लिख भी सकते हो, आप हर एक चीज के बारे में डिफाइन कर सकते हो कि ये है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी क्या एक छोटी सी कंपनी है जिसमें आपके 7 एम्प्लॉई वर्क करते हैं, 7 एम्प्लॉई वर्क करते हैं। ओके, तो इसमें अभी मैंने बताया नहीं था कि आपका जो TCP मॉडल होता है ये आपके 7 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम 7 लेयर के नाम जानते हैं। ये लेयर कौन कौन से होते हैं, पहला एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड अ फिजिकल लेयर। तो यही आपकी क्या है, ये लेयर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरी पे आते हैं। ठीक है, ये आपको क्या है, एक कंपनी है जिसमें आपकी 7 एम्प्लॉई हैं। अब इन जो एम्प्लॉय का क्या होता है, आप जानते हो जब कंपनी में होता है तो एक एम्प्लॉय होता है, हर एक एम्प्लॉय का अपना अपना वर्क होता है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आप सपोज अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की, ये आपका एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं, तो कंपनी में क्या होता है, इसका हम सबका नाम दे देते हैं और ये इसका नाम क्या है वो भी हम बता देते हैं। मान लीजिए हम ए से स्टार्ट करते हैं, अरुण, पी से पंकज, एस से सूरज, टी से तरुण, एन से नीरज एंड डी से दीपक एंड पी से आपका हो जाएगा, पी से क्या होता है और नाम क्या होता है, प्रदीप। चलिए ये आपके 7 एम्प्लॉई हो गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए आपका जो अरुण है वो इस कंपनी का क्या है, CEO है, CEO है, और जिसे क्या आता है, इसे फ्रेंच भाषा आती है, क्या आती है आपकी, फ्रेंच भाषा आती है, इस फ्रेंच लैंग्वेज जानता है। इसने क्या किया कि इसको अचानक याद आता है कि एक दूसरी कंपनी है, जैसे हम अगर यहाँ बात करें, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, 2 एरो दिख रहा है आपको, एक डाउन का है और एक का है, एक ऐप का अप का है, मीन्स एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। ये जो डाउन है इसे हम सेंडर मानते हैं और जो ये आपका अप होता है इसे हम रिसीवर मानते हैं, मीन्स इस तरह हम 2 कंपनी मान लेते हैं, एक सेंडर की है एक रिसीवर की है। ओके, तो ये क्या करता है कि जो ये सीईओ फ्रेंच, मतलब सीईओ है जो फ्रेंच भाषा जानते हैं, इनको अचानक याद आता है कि एक फाइल है
जो कि उससे क्या करना है, जो रिसीवर मतलब जो कंपनी है दूसरी अनदर कंपनी है उसे सेंड करना है। तो ये क्या करता है, तुरंत उस फाइल को जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी हुई है उस फाइल को क्रिएट करता है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज होता है। क्या करता है, इसको जो आपको सेकंड है पंकज को सेंड करता है और पंकज से कहता है कि इसे तुरंत आज के ही इस फाइल को आप क्या करो दूसरी कंपनी को सेंड करना है और आज के ही आज जाना है 24 आवर्स के अंदर ही अंदर। तो ये क्या करता है, जैसे ही पंकज के पास आता है अब वो उस फाइल को देखता है, कहता है कि ये तो आपका फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है और जो दूसरी कंपनी वो कौन सी कंपनी है, वो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी को तो फ्रेंच आती नहीं है। तो वो क्या करता है कि इसको क्या करता है कन्वर्ट करता है, आप मलिश जैसे मान लीजिए इंडियन लैंग्वेज मान लीजिए इंग्लिश में कन्वर्ट, इंग्लिश लैंग्वेज जानती है इंडिया कंपनी, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, उसे सूरज को दे देता है, मीन्स ये जो सेकंड है मीन्स उसके नीचे एम्प्लॉय रहता है उसको सूरज को देता है और सूरज से कहता है ये जो आज ये जो आपकी फाइल है ये आज की आज ही, उसको ही बताता है कि बॉस ने कहा है कि ये आज की आज ही फाइल हमें दूसरी कंपनी में सेंड करना है। तो अब ये क्या करता है, दूसरी कंपनी को कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि मैं आप हमारी कंपनी आपको एक फाइल सेंड कर रही है, यदि वो फाइल आपके पास आ जाती है तो आप हमें फोन करके बता देना कि वो फाइल हमें रिसीव हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये क्या करता है, जैसे उसको कॉल करने के बाद फोन कट करता है और फिर क्या करता है उसे सेंड कर देता है तरुण को। फिर तरुण क्या करता है, तरुण उस फाइल को देखता है और देखता है कि तो फाइल काफी बड़ी है ढेर सारी है, तो उसे क्या करता है छोटे छोटे मतलब मान लीजिए अगर 400 पेज का है उसे क्या करता है 100 का 4 पैकेट बना लेता है, क्या करता है 4 पैकेट बना लेता है 100 का। ठीक है, तो ये क्या करता है 4 पैकेट बनाकर उसे अलग अलग कर लेता है और इससे क्या होता है कि अगर जो भी हमारी अलग अलग रहेगी तो वो क्या हो थोड़ा सा हल्का हो जाता है पैकेट अगर आप देखोगे तो। उसे क्या करता है फिर इस पैकेट बना करके अब उसे क्या करता है यहाँ पे नीरज को सेंड करता है। अब नीरज क्या करता है देखता है इस फाइल को, अब इस एनवलप में तो पैक है वो, अब उसमें देखता है उस एनवलप क्या है एड्रेस नहीं है, क्या है एड्रेस नहीं है कि वो फाइल जानी कहाँ है, कहाँ जानी है और कहाँ से जा रही है और कहाँ जानी है। तो उसने देखा कि हमारी कंपनी जा रही थी, जो कंपनी कहाँ थी मेरठ में थी और उसे कहाँ जाना था मान लीजिए मुंबई जाना है। ठीक है, तो मेरठ से उसे कहाँ जाना था मुंबई जाना था। ठीक है, तो उसने क्या किया मान लीजिए मेरठ में आपकी कंपनी है और ये कहाँ पे आपकी मुंबई में आपकी कंपनी है। ठीक है, तो उसने क्या कहा मेरठ से हमें मुंबई में भेजना है हमें, तो उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने एड्रेस हर एक एनवलप पे एड्रेस किया मतलब कि एड्रेस उसने नोट कराया कि और उसने क्या किया कि हर एक पे एड्रेस दे दिया कि कहाँ से कहाँ पर जाना है। एड्रेस करने के बाद उसने क्या किया कि दीपक को दे दिया उस फाइल को सेंड किया एड्रेस करने के बाद। तो दीपक ने क्या देखा कि अब उसने तो देखा उस फाइल को कि ये पैकेट के फॉर्म में है एड्रेस भी पड़ा है, बट उसने एक चीज नोटिस किया कि ये जो आपके पैकेट के फॉर्म में ये फाइल तो आपकी मतलब जो पैकेट है वो सील नहीं है, मैं सील नहीं है, अगर हम इसे सेंड करते हैं माली बाय द वे उस पैकेट ओपन है कहीं गिर गया तो मिक्स हो गया या कहीं खो गया तो वो क्या करता है तुरंत उस पर सील करता है मीन्स मोहर लगाता है, हर एक कंपनी का अपना मोहर होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है मोहर लगाता है, उसको सील करने के बाद क्या करता है नीचे प्रदीप को सेंड करता है। अब उस प्रदीप को देखता है कि ये पैकेट है उसे जाना कहाँ है तो और किस जगह जाना है, तुरंत उसे क्या करता है सेंड करता है अनदर कंपनी पे। अब मान ली यहां से आपने आया नीचे आ गए एक प्रोसेस खत्म, फिर वो क्या करेगा जिसे बिड के फॉर्म में वो सेंड करता है, फिर ये वापस आया इसने चेक किया हाँ ठीक जगह आई है सही कंपनी वहां से आ गई है, वो कहाँ से आ रही है कंपनी उसको चेक किया ठीक है हाँ चलिए सही जगह आई है, वापस उसको सेंड करता है। इसने देखा क्या है सील है, उस सील को तोड़ देता है और फिर सील को तोड़ने के बाद क्या करता है पैकेट को ओपन करता है इसको सेंड करता है। ये क्या करता है एड्रेस चेक करता है, एड्रेस चेक करने के बाद क्या करता है उसे देखता है और क्या करता है उसे वापस यहाँ पर मतलब कहता है कि हाँ सही जगह कंपनी में आ गई है यही की है यहाँ पे है उसे जाना कहाँ है, तुरंत उसको क्या करता है सेंड करता है अपने उसको नेक्स्ट जगह पर। फिर क्या करता है देखता है कि कई सारे पैकेट में है ये तो उस पैकेट क्या करता है एक साथ करता है एक साथ चेंज कर मतलब पूरे पैकेट खोल करके सब चीजों फाइल को एक साथ मतलब अरेंज करके रख देता है। फिर इसने क्या किया वापस सेंड किया और वापस सेंड करने के बाद इसने क्या किया तो उस कंपनी को कॉल किया था कि ये कंपनी में अगर आपके पास आ जाता है पैकेट तो हमें बता देना, तो वो कंपनी से क्या करता तुरंत सेंड कर मतलब उसने कॉल किया कि हाँ आपकी पैकेट आ गई है और हमने रिसीव कर लिया, तुरंत वहां से कनेक्शन कट होता है और उसने देखा और फिर क्या किया कि देखा उसने कि फाइल हमारे पास आ गई है सही तरह है, तो उसने क्या किया फिर सेंड किया यहाँ पर जो आप मेरे प्रेजेंटेशन पर मीन्स जो मैंने बताया था पंकज के नाम था उसने सेंड किया
वापस, तो इसने देखा कि हाँ ये सही है और इसकी लैंग्वेज भी सही है, सब कुछ देखा और किस लैंग्वेज में आ रही है उसने देखा भी, यहाँ इंडियन लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, चेक किया और फिर उसने क्या किया, सब कुछ नोटिस करते हुए अपने बॉस को मिस वापस दे दिया जो इंडियन कंपनी का बॉस था। तो ओके स्टूडेंट्स, आप आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं अब इसके बारे में, किसकी रियल स्टोरी क्या है। तो ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है, जैसे कि आप किस वे में आप किस जगह से आप सेंड कर रहे हो कैसा है। तो ये एप्लीकेशन लेयर होते कौन कौन से, जैसे आप मैंने बताया था आपको HTTP, FTP, मीन्स क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स ये क्या बताता है कि आपके वेब पेजेस को बताता है कि जो भी आपके टेक्स्ट पेज है उसको हम सेंड कर रहे हैं किस प्रोटोकॉल पर सेंड करना है हमें, उसके बारे में बताता है। ठीक है, FTP क्या करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स जो भी आप फाइल सेंड करो मतलब कौन सा है उसको ट्रांसफर क्या करना है उसके बारे में बताता है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट आता है आप प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो भी आप मतलब उस फाइल को देखता है और उस फाइल वो है क्या, किस टाइप की है उसके बारे में बताता है। मीन्स टाइप जैसे आप मान लीजिए कि आपकी PDF फाइल है, MP3 फाइल है, मीन्स एक्सेल फाइल है, वर्ड की फाइल है, मीन्स उस चीज को चेक करता है। मीन्स जैसे मैंने बताया ना प्रेजेंटेशन क्या होता है, वो किस टाइप की फाइल है उसके बारे में बताता है कि वो MP3 है, PDF फाइल है आपकी, जो भी आपको उसको चेक करता है और फिर क्या करता है आपको फिर से नीचे सेंड करता है सेशन लेयर में। सेशन लेयर क्या करता है, उस फाइल को देखता है और देखता है वो किस टाइप की फाइल है। तो वो क्या करता है, उसको चेक करने के बाद क्या करता है, इसमें इसको देखता है और इसमें क्या करता है, इसको सेंड करता है नीचे। और ये जो सेशन लेयर होता है ये तब तक वर्क करता है जब तक कि आपकी पूरी ये पूरे लेयर के मतलब नीचे के जो चारों लेयर है उनके इन सभी लेयर के साथ ये क्या करता है, वर्क करता है और देखता है जब तक ये पूरा दोबारा रिपीट होकर वापस नहीं आता है। तो फिर ये क्या करता है, नीचे उसको सेंड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, अभी मैंने बताया था कि इसका काम क्या होता है कि इसको पैकेट के फॉर्म में डिवाइड करना। तो अब वो क्या करता है, जो भी आपकी फाइल है उनको पैकेट के फॉर्म में डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद क्या करता है, नेटवर्क लेयर पे मैंने बताया नेटवर्क लेयर को सेंड करता है। नेटवर्क लेयर क्या काम होता है, एड्रेस को बताना कि आपका जो भी फाइल है वो सही एड्रेस पे जा रही कि नहीं जा रही और वो किस रूट पे जानी है उसका एड्रेस क्या है, वो सब काम इसका नेटवर्क का होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद मैंने बताया था ये क्या करता है आपको सील लगाता है। सील मतलब कि क्या करता है, उस फाइल को देखता है और पूरी उसकी चेक करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेस करने में उसको बिट की फॉर्म में क्या करता है, अरेंज करके क्या सेंड कर देता है। तो फिजिकल लेयर क्या करता है, जो भी आपकी डेटा होती है उसको मतलब बिट के फॉर्म में ही ले करके एक्सेप्ट करता है और बिट के फॉर्म में क्या करता है, सेंड करता है वापस। जैसे मैंने बताया था ना कि जहां पे रिसीवर पास सेंड करेगा फिर इसकी अनदर वर्ड की तरह प्रोसेसिंग होती जाती है और आपके वापस रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप फिर से रिपीट करना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपके चैप्टर में आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके जो आगे भी इस चैप्टर में जो आगे प्रोसेसिंग है उसके बारे में हम बताएंगे कि आगे है क्या। तो ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।